हथेली देकर व्यक्ति के बीमारी का पता। हथेली के अलग अलग भागों पर अलग अलग परिणाम देता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर यह चिन्ह दिखे तो यह किसी भाग पर आने पर व्यक्ति को दिमागी खराबी हो जाती है। जीवन रेखा पर दीप बीमारी का सूचक है। भाग रेखा पर दीप दुर्भाग्य का निशानी है। सूर्य रेखा पर बना दीप मान सम्मान में कमी का सूचक है। बृहस्पति बुर्ज पर बना दीप व्यक्ति की अभिलाषा और मान में कमी लाता है। शनि बुर्ज पर दीप निर्धनता व निराशा की निशानी है। सूर्य बुर्ज पर यह व्यक्ति के शुभ गुणों में कमी करता है। बुध ग्रह के बुर्ज पर कार्य क्षेत्र चाहे व्यापार हो नौकरी में बदलाव होता है। मंगल बुर्ज पर दीप कायरता पैदा करता है। शुक्र बुर्ज पर बना दीप अत्यधिक आकर्षण पैदा करता है, विशेष तौर पर से यौनाचार व विलासिता की ओर। तिल या बिंदु का उभरना कुछ काल के लिए बीमारी का कारण बनता है। मस्तिष्क रेखा पर यदि लाल तिल हो तो व्यक्ति के गिरने या दुर्घटना से सिर चोट लगने का सूचक है। काले या नीले रंग का तिल मानसिक संतुलन बिगाड़ता है। श्वास रेखा पर लाल बिंदु बुखार देता है। हथेली के रंग का भी प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शरीर के अन्य भागों की तुलना में हाथ से अधिक कोशिकाएं होती है और हाथ में ये हथेली मध्य में सबसे अधिक होती है। व्यक्ति की बदलती हुई मानसिकता का हथेली पर असर सबसे अधिक पड़ता है। हथेली पर यदि सफेद सी हो तो व्यक्ति अपने आप में ही केंद्रित रहता है और स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है। पीलापन व्यक्ति को असंतुलित बनाता है, खासकर दिमागी हालत पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। गुलाबी रंग का हथेली हो तो व्यक्ति आशावादी और सीधे साधे काम की बात करता है। लाल रंग की आभा हथेली पर आ रही हो तो आप स्वस्थ, स्नेही और गुस्सैल होते हैं। उपरोक्त चिन्ह किसी भी हथेली के भाग पर लाइन या बुर्ज पर अस्थायी रूप से पहले से ही हो तो आपको अपनी पत्री या उस भाग पर जिस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो उसका नग पहन लेना चाहिए। यदि पहली बार चिन्ह उभरता हुआ दिखाई दे तो उस ग्रह की पूजा करने, दान या व्रत करने से आपके कष्टों में कमी हो जाएगी। इस प्रकार आप प्रकृति द्वारा पैदा किए गए पूर्वाभासों को पहचान कर अपना व अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं।